हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इग्नू के असाइनमेंट के फ्रंट पेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपने इग्नू में न्यू एडमिशन लिया है तो आपको पता होगा आपको असाइनमेंट बनाने कंपलसरी है। एंड गाइस, असाइनमेंट का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है आपके असाइनमेंट का फ्रंट पेज। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि आपके फ्रंट पेज पे आपको क्या क्या डिटेल्स लिखनी है, तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मैं बताऊंगा कि आपको आपको क्या क्या असाइनमेंट के फ्रंट पेज में लिखना होता है, क्या क्या नहीं लिखना होता है। एंड गाइस, आपको एक चीज और बता दूं, इग्नू का कोई फ्रंट पेज का स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि आपको इग्नू ने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको इसी फॉर्मेट में फ्रंट पेज बनाना है। आप किसी भी तरह से फ्रंट पेज बना सकते हो। बट गाइस, फ्रंट पेज में क्या क्या लिखना होता है ये जो है इग्नू के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखा होता है। सो गाइस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फ्रंट पेज कैसे बनाना होता है। साथ ही गाइस, आप हमारे चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, मैं आपको एक बीए का असाइनमेंट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, जो है आपके बीए का असाइनमेंट है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी गाइडलाइंस लिखी हुई है। गाइडलाइंस के अंदर जो है आपका लिखा हुआ है, द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर रिस्पॉन्सिव शीट शुड बी लाइक दिस। तो गाइस देखिए, सबसे पहले रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर और स्टडी सेंटर, यानी कि ये चीजें जो है आपके फ्रंट पेज पे आपके जो भी असाइनमेंट है उसके फर्स्ट पेज पे जो होनी कंपलसरी है। देखिए आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखा हुआ है। बट गाइस ये जो है हर किसी में नहीं लिखा हुआ। जैसे कि मैं आपको एक असाइनमेंट खोल के दिखाता हूँ, एमए हिस्ट्री का। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको फ्रंट पेज पे डिटेल्स क्या डालनी है। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक प्रॉपर बना हुआ फ्रंट पेज का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने जो वेबसाइट खोली है www.ignoassignmentguru.com, इस पे जो है गाइस आपको आपके असाइनमेंट का फ्रंट पेज मिल जाएगा। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो भाई देख सकते हैं आप, ये फ्रंट पेज है। तो भाई जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, बाद गाइस आपका नेम, उसके बाद गाइस आपका एड्रेस। तो भाई सबसे पहले आप इन तीन चीजों को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका आएगा कोर्स का टाइटल। जो भी आपके जिस भी चीज का आप असाइनमेंट बना रहे हैं उसका जो कोर्स है उसका टाइटल आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना कोर्स कोड डालना है। तो गाइस उसके बाद आपको अपना यहाँ पे असाइनमेंट नंबर डालना है। गाइस असाइनमेंट नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक असाइनमेंट खोल के दिखाता हूँ आपको, तो मैंने इसी का खोल के दिखाता हूँ आपको। गाइस देख सकते हैं आप, ये देखिए गाइस, ये जो है हर असाइनमेंट के ऊपर लिखा था असाइनमेंट कोड, देखिए गाइस ये लिखा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे आपको ये फिल करना है, जो भी आपके असाइनमेंट का कोड होगा वो जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और कोई असाइनमेंट खोल के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी एमकॉम का आपको एक खोल के दिखा देता हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है सारा कुछ, कोर्स टाइटल भी, कोर्स कोड भी आपका लिखा हुआ है। ये गाइस ये तीनों चीजें जो है आपको अपने असाइनमेंट के ऊपर जो है मिल जाएंगी। सो आपको ये तीनों चीजें जो है यहाँ पे फिल करनी है। एंड उसके बाद आपका स्टडी सेंटर, तो गाइस यहाँ पे अपने स्टडी सेंटर कोड लिख सकते हैं, जहाँ जिस भी स्टडी सेंटर में आप सबमिट कराने जा रहे हैं उसका एड्रेस लिख सकते हैं। एंड गाइस उसके बाद जो है नीचे आपको आपका रजिस्टर फोन नंबर डालना है। उसके बाद गाइस आपने ईमेल एड्रेस भी दिया होगा, आपको यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस फिल करना है। एंड गाइस जो सबसे नीचे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले अपनी डेट लिखनी है जिस डेट को आप सबमिट करेंगे, साथ ही आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो गाइस यह है आपका फॉर्मेट फ्रंट पेज का। एंड गाइस आपको एक चीज और बता दो, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसको आपको प्रिंट करके लगाना होता है या फिर आप इसको सिंपली फर्स्ट शीट पे लिख सकते हैं। सो गाइस ये आपकी चॉइस होती है, आप प्रिंट करवा आप इसको प्रिंट करके जो है इसे फिल करके भी आपके फ्रंट पेज में लगा सकते हैं, या फिर गाइस आप अपने सिंपल शीट पे जो है ये सब बिल्कुल एज अ सेम फॉर्मेट बना के, एज अ सेम फॉर्मेट लिख के उसको लिख सकते हैं। एंड गाइस साथ ही जो भी आपका असाइनमेंट होगा उसके जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने असाइनमेंट खोला हुआ है एमकॉम का। सो गाइस सबसे पहले जो है ये आईबीओ वन का है। सो गाइस आप जो है क्वेश्चन पेपर की भी इसकी भी प्रिंट आउट निकलवा के इसका भी फ्रंट पेज जो है सारे क्वेश्चन का लगा सकते हैं फ्रंट पेज के बाद। तो गाइस मेक श्योर जो है फ्रंट पेज के बाद जो है अपने सारे क्वेश्चन का जो भी इसका प्रिंट आउट होगा, जैसे आईबीओ वन है आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा के इसे फर्स्ट पेज के जो है बाद लगा दीजिएगा। आप सेकंड जो आप असाइनमेंट बनाओगे, आपको पता होगा गाइस जितने भी आपके असाइनमेंट है उसको जो है आपको अलग अलग फाइल्स में देना होता है। सो गाइस जैसे ही आप अगला असाइनमेंट बनाओगे तो उसके लिए भी आपको एक न्यू फ्रंट पेज बनाना होगा, और साथ ही उसमें भी आप जो है इस क्वेश्चन पेपर की प्रिंट आउट निकलवा के इसे लगा सकते हैं।
तो गाइस ये जो फ्रंट पेज था इसकी जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके जो है चेक कर सकते हैं। और अगर असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप गाइस आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे से आप जो है सोल असाइनमेंट पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।